ना क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेवन एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स वाई इज़ इजक्ल टू फाइव एंड एट एक्स प्लस सेवन वाई इज अपॉन एक्स वाई इज़ इजक्ल टू फिफ्टीन अब यहाँ पे हम एक्स वाई को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन बहुत टर्म्स सो एक्स सेवन एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस टू वाई अपॉन एक्स वाई इजक्ल टू फाइव एट एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस सेवन वाई अपॉन एक्स वाई इजक्ल टू फिफ्टीन यहाँ से एक्स एक्स को कैंसिल कर देते वाई वाई को कैंसिल कर देते और एक्स वाले टर्म्स को पहले लिख देते वाई वाले टर्म्स को बाद में लिख देते और यहाँ पे भी सेम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कैंसिल वाई वाई कैंसिल एंड सेवन अपॉन एक्स इन सेवन अपॉन एक्स प्लस एट अपॉन वाई इजक्ल टू फिफ्टीन यहाँ हम टेक कर लेते हैं वन अपॉन एक्स इजक्ल टू एम एंड वन अपॉन वाई इजक्ल टू एन और यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करते हैं वन अपन एक्स और वन अपॉन वाई को तो हमें फ़ाइन हो जाएगा माइनस टू एम प्लस सेवन एन इजकअल टू फाइव एंड सेवन एम प्लस एट एन इज इक्वल टू फिफ्टीन अब इक्वेशन वन को हम सेवन से मल्टीपल कर देते हैं और इक्वेशन टू को हम टू से मल्टीपल कर देते हैं और उसे बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं जिससे हमें फ़ाइन हो जाएगा सिक्सटी फाइव एन इजक्ल टू सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू एन अपॉन सॉरी तो एन की वैल्यू हमें फ़ाइन हो जाएगा वन और एन की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं तो एम की वैल्यू हमें फ़ाइन हो जाएगा वन राइट right? हमने यहाँ पे टिक किया वन अपॉन एक्स इज टू एम सो वन अपॉन एक्स इजक्ल टू वन सो एक्स इजक्वल टू वन एंड वन अपॉन वाई इज टू एन सो वन अपॉन वाई इजक्ल टू वन बिकॉज एन की वैल्यू हमने वन फाइन किया है तो वाई इज इक्वल टू भी वन होगा तो इस तरह से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वन फाइन होगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम है जिसके जैसे ही हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह तो कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इजक्ल टू सिक्स एक्स वाई एक्स वाई को हम इस साइड में ले आते हैं राइट और यहाँ पे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन बोथ ऑन बोथ टर्म्स तो यहाँ पे मैं फाइन हो जाएगा सिक्स एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स वाई इज इज्कल टू सिक्स एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल कर देते हैं एक्स एक्स कैंसिल वाई वाई कैंसिल और एक्स वाले टर्म्स को पहले लिखते वाई वाले टर्म्स को बाद में अब इन दोनों में इन तीनों टर्म्स में से अगर हम चेक करें तो थ्री कॉमन आ रहा है तो थ्री को हमने कॉमन निकाल दिया तो एक्स वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई इज्क्वल टू टू फाइन हो गया सेम सेकेंड इक्वेशन में भी हम इसी तरह से सॉल्व कर देते तो हमें फाइन हो जाएगा फोर अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई इज्कवल टू फाइव अब आपको वन अपॉन एक्स इजक्ल टू एम सपोज कर लेना वन अपॉन वाई इजकअल टू एन सपोज कर लेना जिससे हमें ये इक्वेशन फाइन हो जाएगा एम प्लस टू एन इज इक्वल टू टू एन फोर एम प्लस टू एन इज टू फाइव तो ये दोनों इक्वेशन अभी आपको इसके आगे जो प्रोसेस है वो आप सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएँ कि एक्स की वैल्यू क्या फ़ाइन हुआ है और वाई की वैल्यू क्या फ़ाइन हुआ है राइट right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन हमें गिवेन है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस सॉरी प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इजक्वल टू फोर एंड फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इजक्ल टू माइनस टू तो यहाँ पे हम वन अपॉन एक्स प्लस वाई को हम एम सपोज कर लेते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वाई को एन सपोज कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा टेन एम प्लस टू एन टू फोर एंड फिफ्टीन एम माइनस फाइव एन टू माइनस टू अब इन दोनों इक्वेशन अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें तो इसमें से टू कॉमन आ रहा है टू को हमने कॉमन निकाल दिया जिससे हमें फाइंड हो गया फाइव एम प्लस एन इज इक्वल टू टू अभी इस टर्म्स को दोनों में से किसी एक टर्म्स को हमें इक्वल बनाना है तो फर्स्ट टर्म को अगर हम सेम बनाते हैं तो यहाँ पे फिफ्टीन है तो इसे हम थ्री से मल्टीपल कर देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीपल करके सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया जिससे हमें फाइंड हो जाएगा एट एन इज इक्वल टू एट सो एन इज्क्वल टू वन फाइंड हो गया और एन की वैल्यू हम इक्वेशन वन में रख देते हैं जिससे हमें फ़ाइन हो जाएगा फाइव एम इजक्वल प्लस वन इजक्ल टू टू और ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइन हो जाएगा एम इजक्वल टू वन अपॉन फाइव राइट अब हमने यहाँ पे टेक किया था वन अपॉन एक्स प्लस वाई इजक्ल टू एम सो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इजक्ल टू वन अपॉन फाइव होगा जिससे हमें फाइन हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ऐसे हम इक्वेशन नंबर थ्री टेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों साथ में आ रहे हैं दैट मीन्स हम इसे एक्स या वाई दोनों की वैल्यू नहीं बोल सकते सेकेंड अगर हम सोल्व करते हैं तो सेकेंड हमें दिया गया है तो हमने टेक किया था वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज टू एन तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई इजक्वल टू वन दैट इज एक्स माइनस वन इजक्वल टू वन हो गया तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इन दो सॉरी इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को हम सॉल्व कर देते हैं सॉल्व करने के लिए इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं जिससे हमें फाइन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन सो एक्स वाई वाई कैंसिल आउट सो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स देन एक्स इज इक्वल टू थ्री और इक्वेशन 3 थ्री में अगर हम वैल्यू रखते हैं x की तो हमें y वैल्यू फाइन हो जाएगा y की वैल्यू फाइन हो जाएगा टू राइट right? इस तरह से x की वैल्यू थ्री है और y की वैल्यू टू है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर एट वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इजकअल टू थ्री अपॉन फोर एंड सेकेंड इज़ वन अपॉन टू इन टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट तो यहाँ पे पहले ही हम क्या करते थे टू टू और एट को कैंसिल करके फोर कर देते राइट इसे फर्स्ट हमको हमने ये एम सपोज कर लिया वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई को और वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई को एन सपोज कर लिया अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमें फ़ाइन हो जाएगा एम प्लस एन इजकअल टू थ्री अपॉन फोर और इसे सॉल्व करेंगे तो फाइन हो जाएगा फोर एम प्लस फोर एन इज इक्वल टू थ्री दिस इज एक क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते तो एम अपॉन टू अगर हम यहाँ पे टू नहीं कैंसिल करते तो टू यह आएगा यहाँ पे और फिर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे फोर हो जाएगा और फोर को जब इस साइड में मल्टीपल करेंगे तो हमें फ़ाइन हो जाएगा फोर एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू माइनस वन सो ये हो गया इक्वेशन नंबर टू equation वन और equation टू को हम प्लस कर देते हैं जिससे ये फोर एन फोर एन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें फाइंड हो जाएगा एट एम इजक्वल टू टू सो एम इजक्वल टू वन अपॉन फोर राइट अब इसे एम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो एन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा वन अपॉन टू अब हम जानते हैं कि हमने पहले ही टेक किया वन अपॉन एक्स थ्री एक्स प्लस वाई इजक्वल टू एम सो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इजक्वल टू वन अपॉन फोर होगा और वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई इज्कअल टू फोर हो जाएगा दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री यहाँ पे भी हम इक्वेशन नंबर थ्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई एक साथ में आ गए जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले सम में किया था वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई इजक्वल टू एन लेंगे और यहाँ पे भी इसे इक्वल uh, सपोज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई इजक्वल टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर फोर अब इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं प्लस करेंगे तो हमें फाइन हो जाएगा राइट right? प्लस करेंगे तो इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को हमने प्लस किया जिससे हमें फाइन हो गया थ्री एक्स प्लस वाई इज्वल टू फोर थ्री एक्स माइनस वाई इजक्वल टू टू सो सिक्स एक्स वाई वाई कैंसल सिक्स एक्स इजक्वल टू सिक्स देन एक्स इजक्वल टू वन और फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में हम इसे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें वाई फाइंड हो जाएगा और फोर माइनस थ्री सो फोर माइनस थ्री इज़ वन तो इस तरह से हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू वन फाइंड हो जाएगा थैंक यू